शिवेन। अरे वाह, अरे वाह क्यों रहा है? मेरी मर्जी का भाव। इसको सुपर बाइक और सुपर कार बड़ी पसंद है शिवे। मुझे आज आज हो जाए डुकाटी नहीं। हाँ दे दो। हैं? हाँ। यहाँ हार दे। जो भी। डुकाटी सही रहेगी यार। हाँ ही। अरे देखो मर्सिडीज लाएंगे, मर्सिडीज, फरारी फरारी। और ये है आशिक। दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली जोर से। दोनों मस्ती में है। तो दिवाली हमारी हो गई है पूरी, हमने आज बढ़िया से दिवाली मनाई और एंडिंग हम इस बैलून के साथ करने वाले हैं। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करते हैं कि हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, तो लिव योर ड्रीम, लिव योर पैशन। बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। करण जी से उड़ नहीं रहा, करण जी से उड़ नहीं रहा ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपने बढ़िया से दिवाली मनाई होगी और हमने भी बहुत अच्छे से मनाई और हम बिल्कुल हैं फिट एंड फाइन। आज है गोवर्धन पूजा जिसकी छुट्टी है और आपको सबको बहुत बहुत बधाई उस गोवर्धन पूजा की भी। अभी अभी एक व्लॉग रेंडर करने डाला है दिवाली का, जो कि कंटिन्यूएशन में आज के साथ मिक्स होके मिलेगा आपको देखने को। दिन की शुरुआत हमने कर दी है और आज का प्लान ये है कि अभी आज सब लेट हो गए हैं क्योंकि रात को लेट सोए थे, तो सब कुछ डिलेड है, तो व्लॉग हम कर ही रहे हैं। और अर्श गया हुआ है नीचे अपनी दादी दादू के पास, वो भी लेट उठा आज और सारे ही लेट हैं एक्चुअली। रात को 2 बज गए सोते सोते, तो सुबह थोड़ी सी देर होगी, मतलब बहुत देर नहीं हुई, थोड़ी सी देर हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे ऑन ट्रैक वापस आ गए हैं। तो अब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं आपसे। एक बार फिर चलते हैं मार्केट। मैं भी चलूँगा। तू भी चलेगा? पक्का? मम्मा ने मुझे गिफ्ट दे दी गिफ्ट। पर मैं और मम्मा तो बाइक पे जा रहे हैं। नहीं, गाड़ी। यहाँ तक जाना है। तो मुझे भी गिफ्ट लेना, मम्मा दे रही है मतलब। तो मम्मा ले आएंगी ना फिर? तू क्या कर रही है? नहीं ना, मैं तो चूज कर रही हूं। चल गाड़ी की चाबी ले ले, चलते हैं फिर। थैंक। आज कहाँ जा रही है तू? मैं तो हेयर स्टाइल करने आ रही हूं। हेयर स्टाइल भी सही लग रहा है। इधर आ, सुन बता, इधर बात सुन। अरे इधर तो आ, कहाँ जा रही है तू बता? नहीं जा रही। फिर से कब आएगी? कल। ठीक है, बाय बाय। पता है इन्होंने ना, इन्होंने बड़े पापा और अर्श ने ना मेरे को दिवाली के व्लॉग में ना एक बार भी नहीं मिला, मैं दिखी ही नहीं हूँ। दिखी है बहुत बार। नहीं दिखी, दिखी मैं। है पटाखे फोड़ते में तो बिल्कुल नहीं दिखी। तो अभी पूरा ब्लॉग बना भी दोनों है ना, कंटिन्यू कर दिए, कल वाले में दिखेगी तू। तू डर रही, इतना रही थी, पर बिजली फोड़ते है। नहीं मैंने अच्छे से बोला, गाइस इन्होंने मेरे एक भी नहीं उड़ाई, मैं बोल भी रही थी जब ये वो उड़ा रहे थे ना, क्या कहते हैं उसको, हां हां जो भी कहते हैं बोल रहे थे ना। हां मैंने इनको कहा था मेरी तो बना लो ब्लॉग में भी आऊंगी मैं, बोलती थी। मेरे को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सैश तलवार 2010। मुझे कमेंट करके बताओ कौन सबसे ज्यादा ब्लॉग में होता है। मैं नहीं, सॉरी ज्यादा बड़े पापा होते हैं ब्लॉग में। और गाइस देखो, अगर ये मेरे को ब्लॉग में ना दिखाए ना, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैंने आइडिया। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। नहीं इनको मत करना, ये इंस्टाग्राम पे कुछ करते ही नहीं, सिर्फ अलोंग विद बर्डी और सैश तलवार 2010 को फॉलो कर लेना। बाय बाय। क्या कह रहा है तू अर्श? कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन हो गया। पोल्यूशन तो हो है ही, हमेशा ही है।
अरे नहीं मतलब कि दिवाली के बाद हाँ। वो इतना तो हर साल ही होता है यार, ये बिल्डिंग जब हम बालकनी से देखते हैं दिवाली पे, जब दिवाली नहीं होती तब पूरी क्लियरली विजिबल होती है। पूरे साल अगर हम गवर्नमेंट के साथ मिलके पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लेना तब पोल्यूशन कम होगा, अदरवाइज पोल्यूशन कम नहीं हो सकता। और तो किसी तरफ ध्यान देते नहीं हम लोग, इवन गवर्नमेंट किसी चीज के लिए इंसिस्ट भी करती है तो आम आदमी कहाँ परवाह करता है उसकी, फॉलो ही नहीं करते रूल। और रूल क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि गवर्नमेंट बोल देती है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एफर्ट नहीं डालती। हम अक्सर देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में लोग कितने सिविलाइज तरीके से चलते हैं, उसका रीजन मालूम है क्या है? क्योंकि फाइन्स भी हैं वहाँ, डंडे का जोर है वहाँ, पुलिस करवाती है वहाँ, गवर्नमेंट करवाती है इम्प्लीमेंट, फाइन लगते हैं तगड़े तगड़े, तब जाके आदमी सुधरता है। उसको मालूम है कि नहीं करूँगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी तगड़े वाली, और यहाँ है ही नहीं ना कुछ, यहाँ बॉदर ही नहीं करते लोग, इसलिए डंडा हो ना ऊपर, डंडे से करवाए पुलिस भी और गवर्नमेंट भी, तो यहाँ भी लोग सिविलाइज हो जाएंगे, यहाँ भी लोग बॉदर करने लग जाएंगे कि हाँ भाई अब हमें ये काम करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो पड़ेगी तगड़ी वाली। ये रीजन है सिर्फ, पूरे साल पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करें तो दिवाली पे सब लोग दिवाली पे आराम से पटाखे जलाए जा सकते, बट ऐसा होता नहीं ना। दिवाली पे ही सिर्फ जोर आता है कि पोल्यूशन नहीं करना, बाकी पूरे साल पोल्यूशन जितना मर्जी फैलाओ। तो गाइस अभी हम आए मार्केट से शॉपिंग करने और अभी कुछ सामान लेंगे। एक ये ग्रीन निकाल, अब व्हाइट वाली कौन सी कह रहे थे, ये तो ले गए, एक और ले गए सी ग्रीन, ये वाली ब्लैक सही है, पिंक सही है, ये वाली, ये वाली ब्लैक सही है, ये वाली दिखाने की, ये अच्छी लग रही है, ये ले लो वो रहने दो ये ले लो। सो गाइस हमने शॉपिंग तो कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर पर, घर से पहले एक और काम है वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर भी जो मेरे को लेना है वो मम्मा दिलवाएंगी। अब हो गया सारा काम, घर चलें? नहीं अभी नहीं हुआ। क्या रह गया मेरे को? गिफ्ट। तेरा कौन सा गिफ्ट भाई? लिबर्टी पे चल लो। लिबर्टी? कौन सी लिबर्टी? शूज वाली, इधर बाटा के साथ है ना उधर। अच्छा वो वहाँ, अच्छा हैबिटेट सेंटर में भी तो है शायद। नहीं उधर चलते। लिबर्टी से क्या लेना तूने? शूज और स्लीपर। एक चीज ले लेना, फ्लिप फ्लॉप लेने हैं। क्रॉक्स लेने हैं, अच्छा बल्कि शूज ले, क्योंकि वो अब विंटर्स आ रहे हैं, शूज चाहिए होंगे तुझे। शूज हैं तेरे पास? दो पेयर तीन पेयर है ना? चार पांच है। पांच पेयर शूज हैं, दिखाइए जरा, मैंने तो देखे भी नहीं। क्यों नहीं पहनता? छोटे हो गए। नहीं छोटे, अरे नहीं बताऊं क्या, अरे मेरा मन नहीं करता वो पहनने का। वो क्यों? वो पतले सोल वाले हैं। तो वो मोटे मोटे सोल वाले चाहिए, जब तेरे पसंद किए होंगे वही तो तेरे को लेके दिए होंगे। चल ले ले फ्लिप फ्लॉप्स ले ले, क्या क्रॉक्स लेने हैं ना? क्रॉक्स या कुछ भी और चीज ले ले, क्रॉक्स ले ले। So guys, वहां से तो हमने स्लीपर्स ले ली हैं और मुझे वहां से शूज अपने लिए समझ नहीं आए, इस वजह से अभी हम आए डिकैथलॉन और उधर से लेंगे शूज बढ़िया थोड़े, मतलब जो समझ आ जाए वो वाले। सो गाइस आ गए हैं अब डिकैथलॉन के अंदर और अब लेंगे कुछ शूज। वो रे मम्मा ये आगे है ना, आगे भी सेम ही है। सो गाइस ये वाले शूज नहीं है, यही सही समझ आए थे। चले फिर कलिंग करा लेना तब तक। तो घर हम आ चुके हैं और मैं फिर से दोबारा रेडी हूँ जाने के लिए करुण के साथ तफरी मारने। सहज भी जा चुकी है तो सहज का ऊपर आने का कोई चांस नहीं है, वो आएगी परसों, क्योंकि कल है भाई दूज तो हमें भी कल जाना होगा शीतल के घर और टीका लगवाने। और ये भी हो सकता है कि कल हमें मिन्नी के घर भी जाना पड़े। क्यों? इसका भी कोई चांस नहीं, मैंने दीदी आएंगे 3 बजे। अच्छा आएंगी, आ गया फोन उनका, वो कह रही थी ना कि तुम्हें आना है इस बार, वो 3 o'clock आएंगी। अच्छा तो फिर वो आएंगी, मिन्नी आएगी हमारे घर, तो फिर कल जरा एंजॉयमेंट वाला ब्लॉग बनेगा और एंजॉयमेंट करेंगे साथ में, ठीक है ना? सो गाइज पापा तो गए हुए हैं और उनका फोन आया था कि व्लॉग एंड तभी करेंगे जब वो आएंगे, पर उनका एक और बार फोन आया कि अभी वो मतलब कि बिजी हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड।
मिलेंगे कल आपको नए व्लॉग में। जाते जाते चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियोस को कर दे लाइक। इसी बात से लाइफ इज वन, लिव योर ड्रीम, लिव योर पैशन। गुड बाय।